एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन आइड। मैं हूँ पूर्वा। कैसे हैं आप सब? एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज है 15th ऑफ अगस्त, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और आज नवी का बर्थडे भी है। सो आज का वीडियो एक स्मॉल बर्थडे व्लॉग है। व्लॉग स्मॉल होने वाला है, मैं पहले बता दे रही हूँ, बिकॉज आई फील सो लो ऑन एनर्जी दीज डेज। सो इतनी तैयारियाँ मैं कर नहीं पाई हूँ। इवन कल फर्स्ट टाइम है जो मैंने मिडनाइट सेलिब्रेशन भी नहीं किया है। और हम दोनों सो गए थे 11 बजे, और सुबह जब 6 बजे नवी क्रिकेट खेलने जा रहे थे तो बस मैंने उन्हें बर्थडे विश किया था, और वो इस टाइम भी अभी नहीं वापस आए हैं। सो अभी मैं उनके मन का कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, और उसके बाद लंच भी उनके मन का ही सोचा है। सो सबसे पहले सुबह का प्लान ये है कि आज हम लोग मंदिर जाएंगे हमारे सोसाइटी के। तो मैं वेट कर रही हूँ नवी आए, तो फिर हम लोग तैयार होंगे और फिर मंदिर जाएंगे। आज मैंने अपनी हाउस हेल्प को भी सुबह बुलाया है, सो मैं उनका ही वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आएँ। 8:30 बोली थी बट अभी तक नहीं आई हैं। सो वो भी आ जाए तो वो एक काम भी मेरा आज ख़त्म हो जाए, फिर मैं पूरा दिन फ्री रहूँगी। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ, लेकिन नवी को फिर से जाना पड़ा है। उन्हें आज ट्रॉफी मिल रही है। आज 15th अगस्त का सेलिब्रेशन है सोसाइटी में, और साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था, तो उसमें जितने भी विनर्स थे उनको ट्रॉफी मिल रही है। सो नवी यहाँ की क्रिकेट टीम में है और उनकी टीम जीती थी टूर्नामेंट। सो वो चले गए ट्रॉफी लेने, बट मुझे इतनी देर बैठने की एनर्जी नहीं थी, सो मैं नहीं गई हूँ। सो वो आ जाएंगे, फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। और साथ साथ मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया है कि जैसे ही मंदिर से लौट के आएंगे तो डायरेक्ट फिर ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। कुछ देर के बाद नवी का फ़ोन आया कि तुम भी इधर ही आ जाओ। तो मैं मिठाई लेते हुए गई थी मंदिर के लिए, जो हम लोग लेके आए थे चढ़ाने के लिए और पंडित जी के लिए, और फिर मैं यहीं चेयर में बैठ गई थी। नवी की टीम को प्राइज़ मिलते हुए मैंने देखा। अवार्ड सेरेमनी में इतना टाइम लग गया कि मंदिर बंद हो गया और मंदिर नहीं जा पाए। अब शाम को जाएंगे। सो अब वापस आए हैं। मैं ब्रेकफास्ट तो पहले ही बना चुकी थी, सो बस अब ब्रेकफास्ट करेंगे साथ में। जैसे मैंने केक भी ऑर्डर करा है, वो मुझे कल मिडनाइट के लिए नहीं मिल पाया, तो मैं आज आफ्टरनून में मिलेगा मुझे अब। तो केक कटिंग भी मैं अब इवनिंग में ही करवाऊँगी। अब मुझे भूख लग रही है, तो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ पहले। तो आज मैंने फ्राइड इडली बनाई है और चाय है, जो कि नवी को पसंद है। ये रहे बर्थडे बॉय, जो रिप्लाई कर रहे हैं विशेस का। ब्रेकफास्ट के बाद मैं सो गई थी, और उसके बाद मैंने लंच बनाया है फटाफट से। और आज मैंने बनाया है छोले, लेकिन भटूरा नहीं बनाया है मैंने, रोटी बनाई है और पुलाव बनाया है। बिकॉज रात में जाना है बाहर और बाहर का मुझे खाना है, तो दिन में फिर भटूरा मेरे लिए सही नहीं था, सो मैंने आज भटूरा स्किप किया है। हमारा आज का खाना सब कुछ यहीं पर ले आए हैं हम लोग, जिसे उठना ना पड़े बार बार। टेबल ऑक्यूपाइड है टीवी की वजह से, टीवी ख़राब हो गया है, तो इसे ठीक कराने के लिए हमने एक मैकेनिक को दिखाया था। इसका मदरबोर्ड वो निकाल के ले गया है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। सो ये टेबल यूज़ नहीं कर सकते हैं हम। बर्थडे बॉय रायता निकाल रहा है। मैंने जिसको भी केक ऑर्डर दिया था, और अब वो फ़ोन नहीं उठा रही है, तो मेरा केक नहीं आ पा रहा है। टेंशन भी हो रही है कि केक आ भी रहा है कि नहीं। तो फाइनली मेरा केक आ गया। एक्चुअली मैंने जिससे केक ऑर्डर किया था वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैंने जो टाइम दिया था उससे 1 घंटा ज़्यादा हो गया था, पर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा केक नहीं बन पाया है। खैर जो भी कुछ हुआ था, उसके बाद फिर मैं गई केक लेने, और केक वहाँ बन गया था। और उन्होंने बोला 15 मिनट्स थोड़ा और लगेगा, तो मैंने वहीं पर थोड़ी बहुत वॉक करी और केक आ गया है अब। आज फिर शाम को कहीं जाएंगे, जिसमें नवी का कहीं भी जाने का मन नहीं है, बट मैं कह रही हूँ कि बर्थडे है तो कहीं तो चलो। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है बर्थडेज़ में जाना, इवन केक का भी कोई इंटरेस्ट नहीं था नवी को। बट हाँ, इस बार मैं कोई बहुत अच्छी डेकोरेशन नहीं कर पाई हूँ, बहुत लो एनर्जी थी मेरी आज और नहीं हो पाया। बट मैंने केक कर लिया है, एक अच्छी सी थीम सोची थी मैंने केक के लिए, और आई होप नवी को अच्छा लगेगा, थोड़ा सा फनी है। सो केक को देखने के बाद का जो रिएक्शन है, मुझे उसका वेट है। तो नवी से बोलती हूँ तैयार होने को और फिर चलते हैं। ये फॉयल बलून्स मेरे पास थे, तो मैं सोच रही हूँ ये लगा देती हूँ और बालकनी में ही सेटअप करूँगी। ये है वो गिफ्ट जो मैं नवी को दी हूँ आज बर्थडे पे। सो इसके बाद हम लोग रेडी हुए हैं, पहले मंदिर जाएंगे, फिर वहीं से पहले डिनर के लिए जाएंगे, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि केक कटिंग करेंगे, बिकॉज बालकनी में इवनिंग में ही अच्छा लगेगा जब लाइट्स जल जाएंगी सारी पीछे की।
चलो जल्दी से क्या क्या ऑर्डर करें। सो हम लोग डिनर करके आ गए हैं और आज केक सबसे लास्ट में काट रहे हैं, और वो इसलिए कि मैंने आज डेकोरेशन तो करी नहीं है केक के लिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं करा इनफैक्ट। तो हम लोगों ने सोचा कि बालकनी में ही कट कर लेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी सजी हुई है हमारी, तो वहाँ पे थोड़ा रात में अच्छा लगता है थोड़ा अंधेरा होने के बाद, सो इस टाइम अच्छा लगेगा। सो हम लोगों ने सोचा लास्ट में केक काट लेंगे। सब कुछ ऐसे ही लग रही है बालकनी, और मैंने सिर्फ ये HBD लगा दिया, हैप्पी बर्थडे, और कुछ नहीं किया है। अब मैं दिखाती हूँ केक। ये है केक, कैसा लगा? कुछ भी। तो ये है आज का स्पेशल केक। इसके पीछे का रीज़न बस ये है कि हर हफ्ते आजकल ये समोसा खाना चाहते हैं, और जब भी भूख लगती है समोसा ले आऊं, समोसा ले आऊं। ऐसे बोलता बुलाता नहीं हूँ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. सो डैट्स ऑल फॉर माई टुडेज व्लॉग। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल द ब्राउन एट सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा हैंडल। सो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।